दोस्तों आज हम करने वाले हैं डीजो वॉच की अनबॉक्सिंग। सो ये मेरे पास एक बॉक्स आ चुका है फ्लिपकार्ट की तरफ से, अब जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें अंदर देखने को मिल जाता है डीजो का जो रियल बॉक्स है इनका। वैसे डीजो जो है फर्स्ट टेक कंपनी है रियलमी के अंडर में, एक सब्सिडियरी समझ सकते हो आप इस तरह से। सो सामने से देखने में बॉक्स कुछ इस तरह से, साइड में आपको स्पेसिफिकेशंस पीछे देखने को मिल जाएंगी। सो रियलमी लिंक ऐप के थ्रू ये काम करेगा। वैसे जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है मैंने उस पर ख़रीदा है 1999 का, लेकिन आपको अगर बाद में ख़रीदते हो तो आपको ये 2800 के लगभग 2800 रुपीज़ की पड़ेगी। सो जल्दी से इसके रैप करते हैं, अनरैप। वैसे रियलमी का कहना है कि जितनी भी बजटरी चीज़ें हैं वो डीजो ब्रांड के अंतर्गत लेकर आएंगे वो लोग। सो वॉच कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है, सेम एज आपको रियलमी वॉच 2 की तरह देखने को मिलेगी है। स्क्रीन साइज भी बेसिकली वही है, आप कह सकते हो कि रिब्रांडिंग करके इसको डीजो के अंडर में लेकर आया गया है। कि हमें एक चार्जर, मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिल जाता है इसके अंदर में, यहाँ पर आप अपनी वॉच को रख कर चार्ज कर पाओगे। डीजो की ब्रांडिंग पीछे की तरफ देखने को मिल जाती है इसमें। डॉक्यूमेंटेशन उनको देखने को मिल जाते हैं जिनको आप पढ़ लो तो ज़्यादा ही सही है। अब आ जाते हैं अपने मेन डिवाइस की तरफ। सो ये हमारी डीजो की वॉच, सेम एज आपको रियलमी वॉच 2 की तरह देखने को मिलेगी। सेम बॉडी, सेम स्क्रीन साइज़ भी आपको वही सही देखने को मिलेगा। सिलिकॉन जो स्ट्रैप्स यूज़ की गई हैं वो भी रियलमी वॉच 2 की तरह हैं। जल्दी से इसे रैप कर लेते हैं। तो थोड़ी देर तक आपको प्रेस करना पड़ेगा इसका पावर बटन, सही से चौन हो पाए। स्ट्रैप्स काफ़ी अच्छी हैं, सिलिकॉन की दी गई हैं हमें स्ट्रैप्स। और ये स्ट्रैप्स जो है ना बिल्कुल स्किन फ्रेंडली भी है, मतलब कुछ पसीना वगैरह आता है अगर आपको तो ऐसा नहीं क्योंकि चाहिए आपको इचिंग वगैरह होने लगेगी। सो काफ़ी अच्छी हैं, स्किन फ्रेंडली हैं आपके। नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं सेंसर्स इसके, हार्ट मॉनिटर, और आपको SPO2 सेंसर भी देखने को मिल जाता है। मैग्नेटिक पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ से आप चार्ज कर पाओगे इसको। तो थोड़ी देर तक इसे आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, इसके बाद पूरी वॉच में आपको सिर्फ एक सिंगल बटन देखने को मिलेगा, पावर बटन जो कि है। और आपको कोई भी बटन आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ सिंगल बटन है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आ पाओगे या फिर आप ऑन या ऑफ कर पाओगे अपनी वॉच को। तो यहाँ पर डीजो की ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाती है। और एक छोटा सा आपको एक सब मेन्यू खुल कर आएगा स्टार्टिंग में, जो कि आपकी लैंग्वेज, जो आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज है वो पूछेगा आपसे। बेसिकली मैन्युफैक्चर चाइना के अंदर हुई तो एक चाइनीज़ लैंग्वेज पूछता है और आपसे एक इंटरनेशनली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पूछेगा वो। सो ये वो सब मेन्यू खुल कर आ गया है। सो मैंने इंग्लिश प्रिफर्ड कर ली है, मुझे टैप करना। और ये QR कोड अब स्कैन करके रियलमी लिंक ऐप को मतलब इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आपके डिवाइस पे नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ से स्कैन करके भी कर सकते हो। सो इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी है, मैंने डे लाइट में इसे यूज़ करके मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सो देख सकते हो आप सनी लाइट में भी काफ़ी अच्छे से आपको विजिबल हो पाएगी बिकॉज ऑफ 440 निट्स का यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है इस वॉच के साथ में। क्योंकि बिकॉज ये IP68 सर्टिफाइड है, सो यहाँ पर ये आपको स्प्लैश प्रूफ मिल जाती है, यानी कि स्प्लैश प्रूफ, कोई भी छींटे वगैरह पड़ती हैं तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लाइव वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक यूज़ कर रहा हूँ लाइव वॉलपेपर, जो कि रात होने पर इस तरह से डार्क हो जाता है, दिन में लाइट हो जाएगा। सो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है इस प्राइस रेंज के अंदर, आपको लाइव वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं इसके ऐप का इंटीग्रेशन। रियलमी लिंक ऐप अगर आप पहले यूज़ कर चुके हो तो सेम वैसा ही है, बहुत ही काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। कई सारे आपको वॉच वेसेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लाइव वॉलपेपर जो है वो आपको उसी वॉच के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐप के थ्रू आप बाकी सारे वॉलपेपर्स, स्टैटिक वॉलपेपर जो हैं वो आप चूज़ कर पाओगे। ढेर सारे आपको ऐप यहाँ पर वॉच वेसेज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, जो अगर आप चाहते हो किसी भी ऐप से, किसी थर्ड पार्टी ऐप से, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कौन कौन से वो ऐप हैं जिनके आप नोटिफिकेशन पाना चाहोगे। सो यहाँ पर आप टॉगल ऑन कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको
उन ऐप पर्टिकुलर ऐप्स की आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर। सो यहाँ पे कई सारे वर्कआउट आपको दिए गए हैं, 90 आपको यहाँ पे देने वाला है। रियलमी का कहना है कि 90 वर्कआउट आपको यहाँ मिलने वाले हैं, लेकिन आप कुछ तीन ही वर्कआउट आप चूज़ कर पाओगे अपनी वॉच के अंदर। सो आप इन पर्टिकुलर जितने वर्कआउट हैं वहाँ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, कैमरा शटर का, म्यूज़िक कंट्रोल का, बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे इस ऐप के अंदर। यहाँ पर आपको हेल्थ पे टॉगल करना पड़ेगा, जैसे कि आपने हेल्थ स्टैटिस्टिक्स सारे आप देख पाओगे यहाँ इसके अंदर। सारी चीज़ें आपको, जितने भी हार्ट रेट आपका क्या रहा, आपका SpO2 मॉनिटर के थ्रू कितना आपका ऑक्सीजन लेवल रहा, आप यहाँ पे देख पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टम अगर आप कोई वॉलपेपर लगाना चाहते हो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। सो यहाँ पे आप कस्टम वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हो। मैं वैसे अभी एक कस्टम वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ। सो आप कोई भी अपनी गैलरी से या फिर कोई फ़ोटो क्लिक करके आप उसे लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। आप कितना चलते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इस ऐप के थ्रू। साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर देखना चाहते हो कि ये जो हार्ट रेट मॉनिटर है सही काम करता है कि नहीं, तो मैं इसे ऐसे ही रख दे रहा हूँ, मैं इसे पहन के नहीं रखा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेजरिंग करने से मना कर चुका है कि आपने पहन नहीं रखा। इसी तरह अगर आप SpO2 मॉनिटर देखोगे इसका, यानी कि ऑक्सीजन लेवल अगर देखना चाहो, तब भी आप देखोगे कि इसका सेंसर डिटेक्ट करता है। हालांकि ये रिलायबल नहीं होते दोनों ही चीज़, बिकॉज ऑफ मेडिकल डिवाइस नहीं है ये सिर्फ एक सिंबल है एक तरह से, कि हाँ आप एक मोटा मोटा अपना एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ आपकी हेल्थ में ऑक्सीजन लेवल क्या है, लेकिन ये मेडिकल डिवाइस नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने भी मेजर करने से मना कर दिया है। सो ढेर सारे ऑप्शंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं, स्लीव वर्कआउट, वर्कआउट रिकॉर्ड, सलाम्स, वेदर, स्टॉप वॉच, टाइमर, म्यूज़िक कंट्रोल, कैमरा शटर, ब्रीथ, फाइंड माय फ़ोन, रियल मी लिंक ऐप को भी, कि जो इससे रिलेटेड कस्टमाइजेशन है वो भी यहाँ से कर सकते हो। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन ऊपर से आप इस तरह से देख पाओगे। दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप ये आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ सके। इस तरह के अपने काम की वीडियोस देखना चाहते हो, प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पर टैप कर देना, जिससे कि मैं जब नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल पाए। ये जो प्रोडक्ट है डीजो वॉच, अगर ये कोई आपका फ्रेंड खरीदना चाहता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना उनके साथ, जिससे कि वो अपना माइंडसेट बना पाए इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। वॉच अच्छी है काफी, क्योंकि बाकी सारी वॉचेस जो इस प्राइस पॉइंट पे आती हैं वहाँ पर आपको ग्लिचेस देखने को मिलते हैं, जो कि इस वॉच के साथ नहीं है। रियलमी की जो वॉच आती हैं और साथ ही साथ डीजो की जो ब्रांड के साथ आती हैं रियलमी के प्रोडक्ट, वो सारे में मैं वॉच में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि UI बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ग्लिच बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर दें ताकि वो इस अच्छे प्रोडक्ट को खरीद पाएँ। इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा, सो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। सेम वही प्राइस आपको रहेगा, कोई भी प्राइस डिफरेंशिएट नहीं, जितने का आप पहले से खरीद रहे होगे सेम उतने का आपको मिलेगा, बस इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अगर आप यहाँ हो तो प्लीज़ वहाँ पर अकेले मत रहो, बिकॉज अकेले रहने से वहाँ पर आपको डिप्रेशन बढ़ सकता है। सो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं इस वीडियो मैं यूट्यूब पे तो डालता ही हूँ, साथ ही साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पर इसके वीडियो या फिर इसकी जो फोटोज़ हैं इससे रिलेटेड, वो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वो मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो वहाँ पर भी आप उसे एक्सेस कर पाओ, तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, वंदे मातरम।